हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो. दिस इज़ 2BHK इन रुस्तम जी अजियानो. आज हम देखने वाले हैं पूरे घर में जो भी फर्नीचर चालू है. तो दिस इज़ काइंड ऑफ क्विक टूर ऑफ द फर्नीचर. सो जैसे कि हम सब प्रोजेक्ट्स में स्टाइल थीम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वैसे यहाँ पे स्टाइल है मॉडर्न, बिकॉज एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट दे वॉन्ट कर्व एजेस सम पैटर्न. सो उसके लिए मॉडर्न स्टाइल, वी फाउंड अ परफेक्ट स्टाइल. एंड उसी के साथ जो कलर थीम है वो है पेस्टल कलर्स. सो यस, वो सब चीज़ें ऑब्वियसली जब भी फर्नीचर फाइनल होगा, मतलब ऑब्वियसली फिनिशिंग में ये सब कलर्स दिखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ. मैं जहाँ पे खड़ी हूँ वो है फॉयर एरिया. फॉयर इट इज़ काइंड ऑफ स्क्वायर एंड कॉम्पैक्ट फॉयर एरिया जिसमें एज सच कोई फर्नीचर नहीं है, बट येस यू कैन सी द शाफ्ट, द इलेक्ट्रिकल शाफ्ट एरिया. एंड द लेफ्ट साइड यू विल सी द किचन एरिया. सो किचन में एज सच कुछ डिज़ाइन अभी तक हुआ नहीं है, बिकॉज दिस इज़ मॉड्यूलर किचन जो सब बनना है. सो येस, लेट्स मूव ऑन टू द लिविंग रूम. सो जैसे आप देख सकते हो फॉयर एरिया से लिविंग रूम में एंटर करते हैं. तो राइट साइड में ही आप देख पाओगे यहाँ पे जो फर्नीचर बन रहा है वो बेसिकली यहाँ पे बार यूनिट बना रहे हैं. सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ स्मॉल बार यूनिट जिसमें नीचे का जो सेक्शन है, जो बॉटम यूनिट है, वो कम्प्लीटली स्टोरेज है जिसमें ड्रॉवर एंड नीचे शटर आने वाले हैं. एंड द टॉप यूनिट विच इज़ बेसिकली इन अ कर्व शेप, जैसे कि हम लोग यहाँ पे मॉडर्न स्टाइल ले रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टाइल आप देख सकते आगे फर्नीचर में देख पाओगे कि यहाँ पे एक आर्च पैटर्न में बार यूनिट का टॉप यूनिट बनने वाला है. सो राइट साइड में जैसे कि यहाँ पे बार यूनिट है, जस्ट उसी के सामने ही ये डाइनिंग एरिया है. सो डाइनिंग एरिया में बेंच है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल जो साइड पे ही बनने वाला है. सो अकॉर्डिंग टू द स्टाइल एवरीथिंग विल शेप अप. इस वॉल पे बेसिकली 3-सीटर सोफा आने वाला है, और जो सामने का वॉल है वो है TV यूनिट के लिए. नाउ यू कैन सी हियर द पैनलिंग. जैसे कि एक स्टैंडर्ड हाइट होता है कोई भी चीज़ को लेने के लिए, जैसे कि एक डोर हाइट मेंटेन होता है TV यूनिट के लिए, ताकि वो सब प्रोपोर्शनेट दिखे. सो TV यूनिट का हाइट हम लोग ने कम रखा है ताकि पूरा जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा फर्नीचर ना लगे, और जो एक्सेंटेड फर्नीचर है वो प्रॉपरली हाईलाइट हो सके. सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ अभी आगे सब ड्रॉवर्स रखे, बट उसके पीछे आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर शेप दिया है जो कर्वनेस है वो पूरे घर में कंटिन्यू किए हैं. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे मंदिर आने वाला है, सो मंदिर में भी साइड में कर्व्स वगैरह रहने वाले हैं. सो ये सभी वो बना नहीं है. सो येस, दिस इज़ पैसेज एरिया. पैसेज एरिया में आप देख सकते हो राइट साइड में कॉमन वॉशरूम है, और जो लेफ्ट साइड है उसमें है स्टडी रूम. सो येस, उसको बाद में देखेंगे. फर्स्ट विल सी द मास्टर बेडरूम. सो मास्टर बेडरूम में जैसे ही अंदर आते हैं तो यहाँ पे वार्डरोब चालू होता है. सो वी हैव क्रिएटेड हियर द ओपनेबल शटर वार्डरोब, जिसके अंदर जो बेसिक डिटेल्स आते हैं, जैसे कि मैं जस्ट आपको क्विक टूर दिखा रहा हूँ. सो दिस इज़ काइंड ऑफ पूरा ड्रॉवर्स नीचे बने हैं, देन दिस इज द बेसिक ड्रॉवर्स, ऊपर हैंगर स्पेस. सो येस, दिस इज़ द वार्डरोब. उसी के बाद जैसे ही अंदर आते हैं तो ये जो लेफ्ट साइड का वॉल है यहाँ पे बेड आने वाला है. सो बेड का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो अभी रेडी है. यस, तो यहाँ पे बेड आने वाला है. बेड के दोनों भी साइड पे साइड टेबल्स है, एंड दिस साइड ड्रेसिंग टेबल आने वाला है जो कुछ यहाँ पे इस तरह से बना है. जैसे कि मैंने कहा स्टाइल को यहाँ पे हम लोग ज़्यादा उसको डिटेल में ले रहे हैं. सो येस, यू कैन सी द दिस काइंड ऑफ कॉर्नर्स इन एंटायर होम. सो सामने आते ही नाउ दिस इज़ विंडो वॉल. सो इसमें जो नीच है यहाँ पे है स्टडी टेबल. सो स्टडी टेबल में भी नीचे ड्रॉवर्स है, दो ड्रॉवर्स यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि इसका जो लेंथ है वो है ऑलमोस्ट 4 फीट 6 इंच. सो उसके वजह से यहाँ पे एक वाइड स्टडी टेबल आप देख सकते हो, और उसी के साथ ओवर हेड, उसी के ऊपर लॉफ्ट आ रहा है, और एक ये छोटा सा नीच यहाँ पे क्रिएट हो रहा है. सो
अगर आप देखोगे जैसे ही एंटर करते हैं तो ये एक डायरेक्टली जो दिखने वाला एरिया है, बिकॉज दिस इज़ एग्जैक्टली अपोजिट टू द एंट्रेंस. सो यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं है, जैसे कि पेस्टल कलर थीम लिया है, सो अकॉर्डिंगली द कलर थीम यहाँ पे प्लेन कलर्स प्ले होने वाले हैं. एंड जो पैटर्न है वो सिर्फ वार्डरोब पे आने वाला है, ताकि वो एक सेटलनेस, वो स्टाइल, वो कामनेस, वो सब हम एक ही स्पेस में अचीव कर सकें. So now we'll move on to the study room. So अभी हम देख रहे स्टडी रूम है. सो स्टडी रूम में बेसिकली हम लोग ने यहाँ पे एक चेंज किया है, जहाँ पे वार्डरोब बना है वो बेसिकली स्टडी टेबल का नीच था, बट अभी हम लोग ने स्टडी टेबल को यहाँ पे शिफ्ट किया है जस्ट बिसाइड द एंट्रेंस, जिसके वजह से यहाँ पे स्टडी टेबल के लिए अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है, विच इज़ लाइक 4 feet स्टडी टेबल यहाँ पे लेंथ वाइज क्रिएट हो रहा है. उसी के ऊपर ओवरहेड स्टोरेज आने वाला है और उसी के ऊपर लॉफ्ट है. सो अभी सब फर्नीचर आप देख सकते हो यहाँ पे मेकिंग में है, इसका भी लैमिनेट्स लगना स्टार्ट होने वाला है. सो उसी के पहले हम लोग यहाँ पे जो भी वायर के लिए पॉइंट्स रहते हैं, आई मीन द स्विच बोर्ड्स फॉर द स्टडी टेबल, सो उसका सब प्रोविजन अभी हो चुका है, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ टू बी लाइंड विद ईच अदर. And yes, this is the bed area. Basically, यहाँ पे queen size bed बना है, which is like 5 feet by 6.5, जिसके पीछे headboard है and the bed. Rest जो दोनों भी side में जगह है वहाँ पे अभी आज सच कोई side table नहीं बना है. And last but not the least, this wardrobe. So here you can see the cute wardrobe. जैसे कि ये जो वार्डरोब स्पेस है वो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ये स्टडी टेबल के लिए एरिया डेडिकेट था, बट नाउ वी आर मेकिंग द वार्डरोब ओवर हियर. सो उसी के अंदर जो ऑलरेडी वहाँ पे पॉइंट्स थे उनको ऑपरेट करने के लिए, उनको एक्सेसिबल रखने के लिए यहाँ पे नीश क्रिएट किया है, और उसी के साथ वार्डरोब का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है. सो जैसे कि अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह का वार्डरोब का स्ट्रक्चर है, और ये जो स्पेस है यहाँ पे पूरा स्टोरेज क्रिएट होने वाला है दोनों भी तरफ. सो यस, दिस इज द एंटायर प्रोजेक्ट, आप देख सकते हो. अभी एक्चुअली साइड पे बहुत ज़्यादा मेस है, बिकॉज ऑब्वियसली सब फर्नीचर बन रहा है एंड बहुत सारे कारपेंटर्स है, सो उसके वजह से साइड पे थोड़ा मेसी लग रहा होगा, बट आई एम श्योर आपको किस तरह से ये शेपअप हो रहा है उसका तो आइडिया आया होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फर्नीचर प्लेसमेंट्स. सो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो जो भी इसका प्रोग्रेस हुआ है. तब तक ऑब्वियसली एक दो रूम तो लैमिनेट्स लगना स्टार्ट हुआ होगा, तो उसमें और ज़्यादा आइडिया आएगा. बट यस, दिस इज़ द एंटायर प्रोजेक्ट राइट नाउ. सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्स, सी यू सून.